यस सर, वन सेकंड सर, सर यहाँ पे कर दे सर, सर एक बार तीनों एक साथ ले लेता हूँ ना, एक साथ ले लेता हूँ। फर्स्ट नंबर चलिए ठीक है, उसके पीछे गोल्ड बोल दिया सर, गोल्ड फर्स्ट पोजीशन ऐसा फोटो ले लेंगे हम लोग। वुमेन सिंगल ओपन अर्चना भाटिया थर्ड पोजीशन। जोरदार तालियां। गोविंदा अर्जुन राजपूत महाराष्ट्र फायर सर्विस सेकंड पोजीशन। सर उधर नहीं नहीं आ रही, पार्टी नहीं नहीं आ रही। ओके वेल ऑफ यू लुक हियर प्लीज मैम, प्लीज वेट यहाँ पे। ये कौन सा है सर? थर्ड पोजीशन है, ड्रिल अबव 40, अबव 40 थर्ड पोजीशन। ओके ओके बुलाओ, कितने सारे लोग को देना है, कितने सारे लोग को देना है। मुंबई फायर सर्विस फोटो लेंगे बाद में, पहले वेल डन कांग्रेचुलेशन कीप इट अप। सेकंड पोजीशन का है वाओ गोल फायर सर्विस, अरे वो थे ना गणपति बाप्पा फायर ब्रिगेड हिप पे हाँ।
फर्स्ट पोजिशन संदीप डागर ज्योति दिल्ली फायर सर्विस. देखिए सर, ऑल ऑफ यू लुक हियर प्लीज. वेट करेंगे, वेट, डोंट मूव. देखिए प्लीज सभी कैमरे पे. थैंक यू. सबीना खान केरला फायर सर्विस थर्ड पोजिशन. सर यहाँ पे देखिए यार, तो थोड़ा पीछे से ले लेगा, बिल्कुल तो आगे आया था. प्लीज लुक हियर सर. 11 लोग थे, 11 बजे लास्ट. मेरे कैमरे पे देखिए. और सर अभी पूरा 30 किलोमीटर साइकिलिंग 1 पॉइंट. प्लीज मैम लुक हियर. यहाँ पे लैटर ब्रिज सर 3 वोल्ट हो गए हमारे जैसे अपना लैटर है ना, थोड़ा सा फ्रॉड है टाइमिंग अपना. सेकंड नंबर पे वैसे देखा जाए सबसे हाईएस्ट टाइमिंग. प्लीज लुक हियर मैम, कैमरे पे देखिए प्लीज. दिल्ली फायर सर्विस थर्ड पोजिशन. ज्योति तो फोटो मैम प्लीज. सेकंड पोजिशन कलिंदा अर्जुन वर्ग महाराष्ट्र फायर सर्विस. यस मेरा बात करेगा. देखिए सर, यस कैमरे पे देखिए प्लीज मैम. यहाँ पे ओके फर्स्ट पोजिशन ललिता बोले महाराष्ट्र फायर सर्विस. फर्स्ट पोजिशन नरेंद्र कोहे महाराष्ट्र फायर सर्विस. यस सर प्लीज लुक हियर सर. यस थर्ड पोजिशन मस्जिद. यस प्लीज लुक हियर सर. यहाँ पे इनका माला एक बार मैं कहता हूँ मिला दी है. सेकंड पोजीशन करिंदा अर्जुन राजपूत महाराष्ट्र फायर सर्विस. करिंदा देखिए प्लीज पक्का लिंदा. देखिए प्लीज मैम सर आप देखिए. फर्स्ट पोजिशन ललिता पोहेर महाराष्ट्र फायर सर्विस. ललिता Thank you.
जोगेश्वर जोगेश कोंडवा मुंबई फायर सर्विस सेकंड पोजीशन योगा कांग्रेस योगी स्पोर्ट्स मीट जो आज 700-800 आदमी से शुरू हुई है शायद 8-9 हजार आदमियों के साथ हुआ करे। बहुत सी फायर सर्विसेज के रिप्रेजेंटेटिव आए और उन्होंने हिस्सा लिया। एक रांगले साहब ने भी 360 की थी अपने बॉम्बे के अंदर और उस समय भी मुझे बड़ी आशा हुई थी कि शायद इस तरीके के स्पोर्ट्स मीट और कंपटीशन शुरू होगा, लेकिन वो मेरा ख्याल है 4-5 साल हो गए जब मैं गया था बॉम्बे देखने के लिए, लेकिन उस लेवल पे भी नहीं हो सके। उसमें भी बहुत से फॉरनर्स आए थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। हमारा मोटिव क्या है? स्पोर्ट्स मीट का मतलब ये नहीं है कि हम खाली टेबल टेनिस टेनिस बाकी की स्पोर्ट्स की आइटम खेल के चले जाएं, जी नहीं। हमारा ऑब्जेक्टिव इस स्पोर्ट्स मीट को लाने का है सब लोगों की फिजिकल फिटनेस के ऊपर। हमारे लिए फिजिकल फिटनेस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि जब हम आग पे जाते हैं तो जब लोग बिल्डिंग से बाहर निकल रहे होते हैं तो हम पागल होते हैं जो अंदर घुस रहे होते हैं, क्योंकि उस धुएं के अंदर उस आग के अंदर कोई नज़दीक नहीं जाना चाहता है और उसमें हम मरने के लिए सबसे पहले अंदर घुसते हैं ताकि लोगों की जान और माल को बचा सकें। वो हम तब कर पाएंगे अगर हम फिजिकली काफी स्ट्रांग होंगे और दूसरे लोगों से काफी तगड़े होंगे, तभी हम कर पाएंगे। हमारे पिता में फायर ब्रिगेड के श्री एस के ढेरी साहब से कृपया बच्चों को आशीर्वाद, सभी पीएफए विनर्स इनके चरण स्पर्श करके इनका आशीर्वाद लें। सभी हमारे गेस्ट सभी हमारे एक बार सभी इनके साथ में दो कोरियोग्राफर लेना आपके। रेज द ट्रॉफी इन योर हैंड्स एवरीबॉडी, रेज द ट्रॉफी इन योर हैंड्स। खेल आपको सबसे पहली चीज क्या सिखाता है? खेल सिखाता है इट इज नॉट अबाउट आई, इट इज अबाउट वी। मैं जब इस झुंड को देखता था तो इनका कोई भी टीममेट, कोच, मैनेजर, सीनियर, जूनियर या अगर उनका नाम लिया जाता था तो सारे के सारे खड़े होकर एक साथ ताली बजाते थे, एक साथ चिल्लाते थे। ठीक है, तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी। तुम भी चलो है हम भी चले, चलती रहे जिंदगी। ना जमी मंजिल ना आसमां, जिंदगी है जिंदगी। तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी। तुम भी चलो हम
जाना नहीं तो कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। वेरी गुड। रुक जाना नहीं तो कहीं हार के, वेरी गुड। कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। कांटों पे चल के मिलेंगे साए। लव यू ऑल, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आप उसको बहुत आसान तरीके से सीखे तो वो तरीका सिर्फ खेल होता है, और खेल के अंदर में आप बड़ी आसानी से हर चीज़ को सीख जाते हैं। जैसे हम पिछले 3 दिनों के अंदर में बहुत सारी चीज़ें सीखी, यूनिटी सीखी, डिसिप्लिन सीखा, कोऑर्डिनेशन सीखा, आपने जो अपनी स्ट्रेटेजीज बनाई थी उन स्ट्रेटेजीज को ग्राउंड पर उतारना सीखा, ट्रांसफॉर्मेशन सीखा, और ये जो सीख है ये कंटिन्यू रहे ताकि हमारे पास में फायर ग्राउंड के ऊपर में जो दुर्घटनाएं होती हैं उन दुर्घटनाओं से बचा जा सके। और सब जानते हैं कि दुर्घटना है, लेकिन फायर डिपार्टमेंट की एक जिससे बोले कि पर्यायवाची है, फायर डिपार्टमेंट मतलब दुर्घटनाएं तो होंगी। और इस मौके के ऊपर मैं विनम्र आग्रह करना चाहूँगा आप सभी से कि हमारे भूतपूर्व साथी जो जिन्होंने प्राणों का बलिदान दिया, हमारे अमर शहीद हैं जिन्होंने कर्तव्य की बलवेदी के ऊपर में सब कुछ हमारे लिए नौचावर कर दिया, हमारे लिए रास्ता बनाया, पथ बनाया, जिसके ऊपर में हम चल रहे हैं अभी, मैं आप सभी का आह्वान करता हूँ कि आज हम सभी एकत्रित हुए हैं तो उनको नमन करें, उनको वंदन करें, उनके सम्मान में एक बार प्लीज़ तालियां बजाएं। संदीप, सुखबीर, सचिन, एडीओ भूपेंद्र सिंह, एडीओ रविंदर सिंह, मनीष कुमार, कौशल कुमार, मनोज शर्मा जी, डीओ मुकेश वर्मा जी, अटवा other than Somveer ji also. Please, I sir. Give them a big hand because they were the organizers and they were the backbone behind this, all the events. Yes, please look here. Ex-director Mr. Menon, प्रेजेंट डायरेक्टर, अजमेर से आए CFO, कमांडेंट साहब होमगार्ड के, डॉक्टर वाधवा, एडिशनल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, दिल्ली के इतने सारे मेरे बंधु, मैं इनके साथ ही रहूं, मेरे कलीग्स हैं सारे के सारे, रमन कपूर आए, शर्मा जी आए, किसी का नाम भूल गया तो माफ करना घोष, मुंबई का है, और यहाँ सब आप लोग जो आए दूर दराज राज्यों से। सबसे पहले तो मैं ऑल इंडिया फायर सर्विस कंट्रोल बोर्ड के जो इस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में जो प्रोग्राम हुआ और उसको आपने जो सक्सेस बनाया, मैं आप सभी का बहुत धन्यवाद करता हूं। हम हैं क्योंकि आप हैं, आप आए तभी हम रहे। तो ये प्रोग्राम हुआ ऑल इंडिया फायर सर्विस फोर्स कंट्रोल बोर्ड का, जो मीट हुई आपकी वजह सक्सेस हुई, आप तालियों का हकदार हैं। मैं सोचा बहुत समय लूंगा, आपका ज्यादा बात करूंगा, परंतु हमारे जो सेक्रेटरी साहब है उन्हें कुछ मौका नहीं दिया, उन्हें सब कुछ बोल दिया, कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ी। 3 दिन भी हमारे पे इंद्रदेव इतने मेहरबान थे, इतने मेहरबान थे, वो कोशिश कर रहे थे कि हम आपको कुछ नमक के डेले को पिघला देंगे, मगर मेरे जाबाज 3 दिन बारिश में लगे रहे। मैंने कल 6:30 बजे पूछा ये फायर ड्रिल करूँ कि नहीं करूँ, मुझे डर है आप स्लिप हो जाएंगे,
तो सारी टीम खड़ी हो गई, सर प्रोग्राम तो होगा, इसी बारिश में होगा, हम करेंगे, सबने कहा हम करेंगे। उनके जज्बा को मैं एकदम सल्यूट करता हूँ। वो जज्बा था जिसने मैं रात के 10 बजे तक प्रोग्राम करने पे मजबूर किया। थोड़ी समय आपने जो टीम देखी थी मेरी, इनने क्या किया मुझे कुछ नहीं मालूम। अभी सेक्रेटरी साहब ने जो कहा बिल्कुल सच है, ये टीम का फॉर्मेशन होना, ये मेगा टीम का फॉर्मेशन होना, और मैं किसका नाम लूँ, सब अपनी जगह पे पूरी बारिश में शिद्दत से खड़े रहे और इंश्योर किया कि जो इंटरनेशनल नेशनल रेफरीज हमने हायर किए हैं उनके थ्रू से गेम कराए जाए, कहीं शिकायत ना आए। और मैं उन सभी को सल्यूट करता हूँ जिन्होंने ये काम को सक्सेस किया बिना किसी शिकायत के। देरी साहब ने भी इसको फ्लैग किया, महसूस किया, आप इसके हकदार हैं। मैं वोट ऑफ थैंक्स देने के लिए खड़ा नहीं हुआ, ये मेरे दिल की आवाज़ है। आई थॉट आई मस्ट शेयर विथ यू। गेम्स ये हुए हैं, पहले भी हुए हैं। प्रभास साहब ने कॉम्बैट 360 के द्वारा एक हमें एक नया चिराग दिखाया था। हमारी कोशिश थी, मैंने ओपनिंग में भी कहा कि हम कोशिश करेंगे आपको इंटरनेशनल लेवल में ले जाएंगे। मेरा फायरमैन का जो स्टैंडर्ड है इंडिया में, डमी कितने किलो की उठाना है, 50 किलो की उठाना है, 60 किलो की उठाना है, इस पर हम चर्चा करते रहे। प्रभात रामगिले ने अपने समय में 80 किलो की डमी रखी। और मैं आपको बता दूं कि 21 टीमों ने जिसने पार्टिसिपेट किया, और मैं तीन टीम जर्मन टीम के बराबर पहली बार पार्टिसिपेट में करने के बाद कुछ कुछ नंबरों से पीछे रह गई। अभी भी मैंने थोड़ी देर पहले उनसे बात किया कि हम कैसे करेंगे कॉम्बैट 360 के साथ में इसका मेल कैसे करेंगे। टफेस्ट फायर फाइटर, आज का जो टफेस्ट फायर फाइटर देखने लायक था, आपका जज्बा देखने लायक था, तो प्रभात साहब ने कहा कि भाई मैं तो इंटरनेशनल कैटेगरी में ही आपको रखूंगा, उसी लेवल में लेके जाऊंगा, आपको मजबूत होना पड़ेगा, मैं मेरा लेवल नहीं गिराऊंगा। उसके पीछे एक ही कारण है, अगर आप ओलंपिक जैसे जगह में जाकर अपना नाम कमाना चाहते हो तो आपको अपना स्टैंडर्ड ऊपर करना पड़ेगा, मैं आपका स्टैंडर्ड नीचे नहीं करूंगा। तो क्योंकि प्रभात साहब ने स्टैंडर्ड नीचे ना करने की बात की है, और हमारे दिल में है कि हर साल ये गेम नहीं हो सकते, 2 साल में हम एक बार गेम करेंगे, तो ये हमने तय किया मिलके कि 1 साल गेम करेंगे, 1 साल टफेस्ट फायर फाइटर कॉम्पिटिशन करेंगे। तो मैं आज गवर्निंग बॉडी के बिहाफ में ये घोषणा करता हूं कि नेक्स्ट टफेस्ट फायर फाइटर गेम अक्टूबर 1st वीक में गोवा में किए जाएंगे। पाकिस्तान फकीर।